बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान किए जाने पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उन्होंने गरीबों और पिछड़े वर्ग के लिए हमेशा आवाज उठाई, उनको ये सम्मान मिलना गर्व की बात है। सुनिए और क्या कुछ कहा है ओम प्रकाश राजभर ने। समाजवादी नेता जन नायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, 9वीं जयंती पर भारतीय समाज पार्टी की तरफ से, भारतीय समाज पार्टी पूरे परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत रत्न से जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई। और पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जो एक मुहिम चल रही है, अति पिछड़े अति दलित जिनकी पूछ कहीं नहीं होती है, उनके सम्मान में, पिछड़ों के सम्मान में, दलितों के सम्मान में जिस लड़ाई को स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने लड़ाई लड़ करके आगे बढ़ाया, देश के पहले मुख्यमंत्री हुए थे जिन्होंने अपने राज्य में 26% आरक्षण पिछड़ों को सबसे पहले लागू किया था। आज ऐसे जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर जो संदेश पूरे देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, जो विपक्ष के लोग हल्ला करते हैं, कोई पीडीए की बात करता है तो कोई पिछड़ों की बात करता है, लेकिन काम माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज भारत रत्न से जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित करके 9वीं जयंती पर ये संदेश पूरे देश में चला गया कि आज एनडीए के सामने, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सामने कोई लड़ाई नाम की चीज नहीं रह गई है। पूरा समाज जो उपेक्षित है, वंचित है, शोषित है, जो कांग्रेस बसपा सपा से उपेक्षित रहा है, वो पूरा का पूरा समाज आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा है। चाहे कितना हो कोई जातिवाद जनगणना की चर्चा कर ले, चाहे पीडीए की चर्चा कर ले, ना तो किसी का पीडीए काम आएगा, ना तो किसी का जातिवाद जनगणना काम आएगा। आने वाले 2024 में जिस रास्ते पर एनडीए चल रहा है, गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के विकास के लिए जो योजनाएं बन रही हैं, उनके दरवाजे तक पहुंच रही हैं, इन योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। 2024 में पुनः देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर बनेंगे। 400 से ज़्यादा सीटें पूरे देश में जीत करके एनडीए माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।